हॉट क्लाइमेट कीवी फार्मिंग प्रोजेक्ट पार्ट वन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। गुड मॉर्निंग राहुल बेटा, ये तो अपना कीवी, वार्म वेदर कीवी तो वार्म वेदर है नहीं, ये तो पूरा जल गया है। देखिए, जबकि इसको पूरा शेड में रखा हुआ है, अपना शेड के अंदर और शेड में है। सुबह का बस आधे घंटे का थोड़ा सूरज मिलता है इसको। ये तो गया बेटा, तो ये सक्सेस नहीं है। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। अभी आपने सुना, अंकल जी ने कहा कि उनके वहां पर जो कीवी की जो फार्मिंग है या कीवी का जो पौधा है वो सक्सेसफुल नहीं है। वो महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको कीवी का पौधा उन्होंने लगाया था, तो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने सारे जुगाड़ लगाए, यानी कि उन्होंने पूरा सेट एरिया बनाया उसके लिए स्पेशली, ठीक है, और बहुत ही कम समय के लिए धूप भी आता था उसमें, जो आपका हाई टेम्परेचर है वो भी उसको महसूस नहीं होता था। फिर भी जो उसमें उसका जो जो रूम टेम्परेचर है उसमें भी वो कीवी का पौधा चल नहीं पाया। वहीं आप इस कीवी के पौधे को देख रहे हैं, ये अभी 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर में भी इसके जो पत्ते हैं आप देख रहे हैं पूरा लश ग्रीन है और काफ़ी अच्छे से चलने लग रहा है। यहाँ पर जो मुख्य ध्यान देने वाली बात है वो है सिलेक्शन ऑफ कीवी वैरायटी। दोस्तों, काफ़ी सारे कीवी के वैरायटीज़ हैं और उसमें से ज़्यादातर जो कीवी की अभी सेलिंग हो रही है इंडिया में हॉट क्लाइमेट के लिए, वो जो कोल्ड क्लाइमेट में फार्मिंग की जाती है वही वैरायटीज़ को बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा कारण ये है कीवी के फेलियर में। दोस्तों, हमने इस बार 4 वैरायटी लाया कीवी का और वो भी स्पेशल हॉट क्लाइमेट के लिए, और हम अभी तक जो देख पा रहे हैं ये पौधे सर्वाइव कर रहे हैं 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर में। तो हमको लगता है कि ये जो वैरायटीज़ हैं यही वैरायटीज़ चल सकती हैं अन्य वैरायटीज़ के मुकाबले। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्षमता है गर्मी को सहने की और ये हॉट क्लाइमेट के लिए रजिस्टर्ड भी वैरायटीज़ हैं, यानी कि ये पहले से ही रजिस्टर्ड हैं लो चिलिंग वैरायटीज़ के नाम पर। हमसे पहले भी काफ़ी लोगों ने ट्राई किया कीवी पर, लेकिन उनके कीवी के पौधे सर्वाइव नहीं किए। यहाँ तक कि हमने भी लास्ट ईयर लगाया था लेकिन वो सर्वाइव नहीं किए थे। लेकिन अब जब हम सही वैरायटीज़ को लगा रहे हैं गर्म क्षेत्रों में तो उसका रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आपको ओरिजिनल जो हॉट क्लाइमेट कीवी की वैरायटीज़ चाहिए तो उसके लिए आप हमसे बुकिंग करवा सकते हैं और हम आपको दिसंबर के महीने में इस पौधे को उपलब्ध करा देंगे। और आप भी अपने क्षेत्र में जो ट्रायल है कीवी का, क्योंकि वैरायटी का जब तक सिलेक्शन सही नहीं होगा तब तक उसका जो ट्रायल रिजल्ट है वो भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप कीवी की खेती करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।